और अब खबर दोसा से। जयपुर जा रही हिंडौन विधायक राजकुमारी जाटव पर दोसा के सिकंदरा पुलिया के पास फायरिंग करने की खबर है, जिसमें गोली कार पर लगी लेकिन विधायक बाल बाल बच गई। सोमवार की रात हिंडौन से जयपुर जाते समय दोसा के सिकंदरा पुलिया के पास उनकी कार पर धमाका हुआ तो घबरा कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर टोल प्लाजा पर गाड़ी को रोका। वहां देखने पर सामने आया कि कार पर गोली के निशान, जिसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस ने विधायक को सुरक्षा में लेकर दोसा सर्किट हाउस में रखा और मामले की जानकारी ली। विधायक ने विरोधियों पर इसका आरोप लगाया है। सिकंदरा के पास पर मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई, गोली चलने की आवाज आई तो हमने गाड़ी को थोड़ा तेज चलाया, फिर टोल टैक्स पर रोक कर देखा तो गाड़ी में जो गोली का निशान है वो गाड़ी पर बना हुआ है। उसके बाद में मैंने हमारे करौली एसपी साहब को फ़ोन किया, फिर यहाँ के एसपी साहब से बात की तो एसपी साहब ने पूरा वो घटना की मौके पर भी जांच करवाई है। राजकुमारी जी ने इतला दी थी कि जब वो जयपुर जा रही थी तो सिकंदरा के पास उनकी कार पर उन्होंने फायर होने की आवाज़ सुनी है। इस संबंध में हम गहनता से जांच कर रहे हैं और एफएसएल की टीम और आर्मोरल की टीम से गाड़ी की जांच की जा रही है।